मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ऑर्बिटल डायग्राम के अनुसार से किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट वाले पार्ट पर पहुंचते हैं, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को आयन का लिखना हो तो उस कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लिया कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Na+ प्लस का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Na+ प्लस का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 है, 1 प्लस चार्ज का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 11 माइनस 1 ये वैल्यू आ गया 10, यानी कि इनके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 6 टू 8 10 टू 10, या तो फिर आप इसे लिख सकते हैं 2a, या फिर आप इसे इनर्ट गैस की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर 10 है और 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का। आपको बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर है उससे पहले वाले इनर्ट गैस को रखना होगा, तो यानी कि नियॉन नहीं लिखना होगा, इसके पहले का इनर्ट गैस हीलियम है, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा हीलियम और फिर लिखेंगे 2s2 और 2p6। अगर इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो फिर ये यहां आ जाएगा हीलियम। एस के लिए वन बॉक्स बना दी, पी के लिए यहां पर 3 ऑर्बिटल आए, इलेक्ट्रॉन फिल करते यहां 2 है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे तो 1 2, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, तो यहां ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 का और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2p6 का। एक और बताते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको s2 माइनस और 16 का लिखना है, यानी कि सल्फर का लिखना है, वही कंसेप्ट। सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एटॉमिक नंबर 16 है यानी कि 16, और माइनस 2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 16 प्लस 2 कितना वैल्यू हो गया 18। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन का लिखना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अगर 281 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहां 2 8 8, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगर इनर्ट गैस की सहायता से लिख रहे हैं तो ये 18 है, वैसे 18 आर्गन का होता है, लेकिन अभी पहले भी बताए हैं इसके ठीक पहले वाले इनर्ट गैस पे, आर्गन को नहीं लिखना है, इसके ठीक पहले इनर्ट गैस, तो इसके ठीक पहले इनर्ट गैस आएगा नियॉन, तो यहां आप लिखोगे नियॉन, फिर 3s2 3p6। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो यहां नियॉन 3s, यहां 3p, 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां 0 है। तो इस तरीके से एक बार में आपको कटायन का भी पता है और दूसरी बार में अनायन का भी पता है। कटायन का मतलब है कि उनमें एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, स्टार्टिंग में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़े थे, कटायन का फॉर्मेशन ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, और अनायन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ आपका अप्लाइड हो सकता है 18 तक का। अगर उसके बाद वाले केसेस में जाएंगे जहां पर हम लोग कैल्शियम के बाद में लिखे थे डी ऑर्बिटल आ जाता है, वहां पर इस कंसेप्ट का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ध्यान से समझना, अगर हमें कह दिया गया कि Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन,
Fe2+ Fe2+ आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 26-2 ये वैल्यू हो गया 24। आप अभी जैसे सीखे हैं उसके अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो इसके ठीक पहले आ जाएगा आर्गन, तो यहां लिख दिए आर्गन, और फिर 4s2 3d4 18 to 20 एंड 4 24। कई लोगों को लगेगा कि ये d4 है इस वजह से गलत, ये गलत तो है ही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि इनको याद आ रहा होगा कि d4 की जगह पर d5 कर रहे हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे आर्गन 4s1 और 3d5। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन भी गलत ही है। अब आश्चर्य हुआ, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना क्या बताने जा रहा है, यानी ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ का गलत है। यहां बताता है कि अगर एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हो, अगर एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हो तो उसके आयन के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले उसके एटम का अरेंज कॉन्फ़िगरेशन लिखें। यहां चूंकि एटॉमिक नंबर 26 है तो इस रूल के अनुसार से सबसे पहले आपको इसके एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए, यानी कि आयरन का। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 4s2 और 3d6। अब कह रहा है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अरेंज कीजिए। आप में से कुछ लोग कॉल किए थे, कुछ लोग मैसेज किए थे कि सर ये 4s के बाद में 3d है, कुछ एक जगह पर बुक में देखे हैं कि 3d पहले है उसके बाद 4s है। बिल्कुल होगा, कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा जिसे हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं, और इस रीअरेंजमेंट में फर्स्ट ऑर्बिट एक साथ, सेकंड ऑर्बिट एक साथ, थर्ड ऑर्बिट एक साथ उसको किया जाता है। यानी कि जब इसे रीअरेंज करेंगे तो ये फोर्थ ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद भी इसको अरेंज किया जाएगा, तो 3d6 और 4s2। अब देखो यहां कॉन्फ़िगरेशन यही है, हम ऐसा नहीं किए कि 4s के बाद भी इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद भी इलेक्ट्रॉन 3d में डाले, ऐसा नहीं किए कि 3d फिल हो गया उसके बाद 4s में डाले, तब तो यहां पर 3d8 हो जाए। यानी कॉन्फ़िगरेशन वही है, सिर्फ एक स्टेप और बढ़ा है कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसको आगे कर दिए, फोर्थ ऑर्बिट को बाहर कर दिए। अब जब भी आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। यहां इस कंडीशन में आप d4 कर दिए, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कहां से, थर्ड ऑर्बिट से, जबकि ये थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये फोर्थ ऑर्बिट। लेकिन इनका एनर्जी वैल्यू चूंकि कम था इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड हो गया, लेकिन है ये अभी भी उसी अनुसार से। जैसे आप घर में देखते हो गए कि मे भी हो सकता है कि जैसे जनरली देखा जाता है कि जो बड़ा भाई है वो अर्निंग स्टेज में पहले पहुंचेगा उसके बाद फिर छोटा पहुंचेगा, लेकिन कई वैसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि बड़े के कंपैरिजन में अगर छोटा जो है वो ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा जो है वो कह सकते हो कि अपने वर्क के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है, तो फर्स्ट अभी स्ट्रगल ही कर रहा है और सेकंड को जॉब भी मिल जाता है। कई वैसे भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको कि फर्स्ट अभी स्ट्रगल वाले कंडीशन में ही है जबकि छोटे का पूरा फैमिली भी जो बसा हुआ है, लेकिन जहां तब ये छोटे का पहले शादी विवाह हो गया तो बड़ा नहीं हो गया, जहां कहीं भी बड़ा का बात होगा तो वही बड़ा होगा जो एज के अनुसार से था। उसी तरह से यहां 4s का एनर्जी कम था, 3d का ज्यादा था, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होता है उसके बाद 3d में जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां से रिमूव करेंगे, इसीलिए आयन के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले एटम का अरेंज कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ये अरेंज कर दिया, अब जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जैसे Fe2+2+ का मतलब हो गया इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो बाहर से यहां से रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बचा आर्गन 3d6। अगर किसी ने कह दिया कि नहीं Fe2+ नहीं, हमें Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, गुड, यहां लिखे आर्गन 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन
विद द कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R1 3D5। फिर से बता रहे हैं, अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है, तो आयन के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले उसके एटम का अरेंज कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यानी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उसको अरेंज किए, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो रिमूव करते चले जाइए। आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Fe2+ के फॉर्म में भी पाया जाता है, Fe3+ के फॉर्म में भी पाया जाता है, तो जिस किसी का भी कहा जाएगा वो निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं, अगर मान लिया आपको लिखने के लिए कहा गया है मैंगनीज का, मैंगनीज क्या है, राइट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्वेश्चन दिया गया राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+ एंड Mn4+। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होगा, यहां पर भी एटॉमिक नंबर 25 ही होगा, तो चूंकि 20 से ज्यादा है तो सबसे पहले आयन का लिखने के पहले हम लोग को इसके एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आप ये रफ में भी लिख सकते हो, मैंगनीज का 25 हो गए, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यह आएगा Argon 4S2 and 3D5। अब इसका अरेंज कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यह आ गया Argon 3D5 and 4S2। हम कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे, यहां 3D5 था तो यहां भी 3D5, ये 4S2 है तो यहां भी 4S2 है। अब जिसका लिखना है, अब अगर Mn2+ का लिखना है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दी, तो ये बच गया Argon 3D5। अगर हमें Mn4+ का लिखना है तो 4+ यानी 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहां 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Argon 3D3। तो ये Mn2+ और Mn4+। तो चूंकि 20 के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए आपके लेवल में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इसी अनुसार से होगा। थोड़ा सा और हम बैक में आते हैं, तो अब ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का पोर्शन यहां तक कंप्लीट हुआ। रीअरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन आप में से कई लोगों का आया था, मैसेज वगैरह में कॉल किए थे, उसको एक बार फिर से बताते हैं। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सपोज निकल का फिर से ले लेते हैं, निकल का 28 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1S2 2P6 3S2 3P6 4S2 and 3D, काम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन 2 2 4 16 2 12 6 18 2 20, 8 बचा हुआ है तो यहां पर ये 8 कर दी। इसी कॉन्फ़िगरेशन को, ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपका सही है, जब ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो देखो यहां पर ये 3 है और ये भी 3 है, तो इनको आप एक साथ में भी लिख सकते हो, यानी कि यहां अरेंज करने के बाद में इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D8 और इसके बाद में 4S2। इसी को अगर इनॉट गैस से या फिर 281 के फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 हो गया, 8 हो गया, यहां 16 हुआ और ये 2, जिसे हम लिखते हैं 2 8 16 2, तो ये भी तो इसी को फॉलो कर रहा है। तो आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो ये इसी फॉर्मेट को फॉलो किया, यानी अरेंजमेंट के बाद में, और यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपबॉ प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन तो अपबॉ प्रिंसिपल के अनुसार से ही है, तभी तो 4s के फिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में गया। अगर अपबॉ प्रिंसिपल वायलेट होता
यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4S2 नहीं होता, तब यहाँ पर 3D10 हो जाता, यानी कि वहां रूल अगर वायलेट करते, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ रीअरेंज किया गया है। आप एनसीईआरटी बुक या पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहां तक के पार्ट को आर्गन लिखा गया है, तो आपको मिलेगा आर्गन जो हम लोग जनरली अभी तक लिखते आ गए 4S2 3D8, ये भी सही है, और इसी को हम लोग आर्गन 3D8 और 4S2 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो दोनों को जगह पर सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, यानी किसी रूल का वायलेशन यहां नहीं हो रहा है। तो इसके अनुसार सब यहां तक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। जहां डाउट रहेगा उस वाले पोर्शन को आप रिपीट करके देखोगे। आप में से कुछ लोगों का आदत क्या है, वीडियो देखेंगे नहीं, नोट्स देखेंगे नहीं, और सीधे जो से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। जितना बताया जा रहा है उसको आप कंसंट्रेशन के साथ में देखो, रिपीट करो आप वीडियो कि हाँ वहां पे वो बात कहीं बताया तो नहीं गया है, क्योंकि हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हमें पता है कि उसको हमने एक्सप्लेन किया है, हमें यह पता है कि आपका सिलेबस कहां तक है, हमें यह पता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है। हाँ, इसके बाद में अगर कुछ बचा हुआ है आपके सिलेबस के अनुसार, तब फिर वहां आप कुछ हो गए जो आपके सिलेबस में। तो कॉन्फ़िगरेशन ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब आते हैं आगे में बताएंगे इससे रिलेटेड कुछ और। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस रूल को वायलेट करता है, यानी किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि ये किस रूल को वायलेट करता है। तीन रूल मेन है, अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुक्स रूल। तो इन तीनों को आपको चेक करना होगा। एक बार फिर से बताते हैं, अबाव प्रिंसिपल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, यानी n प्लस l के अनुसार से आएगा, यानी कि जिसमें कम एनर्जी होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, यानी कि उनका स्पिन अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं बताता है कि 2p में डालना है या 3s, उसको मतलब है पॉली को कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें से एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। होम्स रूल ये बताता है कि सेम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होगा, उसके बाद उनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। दो तीन एग्जाम्पल बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और सपोज इनका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हीलियम और यहां 2s2 और 2p2, 2s2 और 2p2, 2s2 और 2p2 योगे। अब ये पूछा जा रहा है कि यहां कौन कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, पहले अबाव प्रिंसिपल याद करो। अबाव प्रिंसिपल के अनुसार से 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है, यानी कि अबाव प्रिंसिपल यहां पे गलत नहीं है, अबाव प्रिंसिपल के अनुसार से ये सही। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि एक और ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखो यहां पर भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी वही है, यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार से भी ये सही है। होम्स रूल क्या बताता है कि सेम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होगा फिर पेयरिंग होगा। लेकिन यहां देखो, यहां इस पी का तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड होने की बजाय यहां जाना चाहिए था, यानी कि होम्स रूल के अनुसार से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, यानी कि कार्बन का ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन किस रूल के अनुसार से गलत है, होम्स रूल के अनुसार से। मे भी हो सकता है कि किसी में तीनों रूल को वायलेट किया गया हो, किसी में एक रूल को वायलेट किया गया हो, किसी में दो रूल को वायलेट किया गया हो। और आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम लोग क्रोमियम का लिखते हैं, यहां इनका 24 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन आया था आर्गन 4s1 और 3d5, 4s1
और यहां 3d5 4s1 1 2 3 4 5। आप पहले ये चेक कर लो कि ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है या सही है या गलत है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अब देखो कि ऑफ़ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। ये 4s है और ये 3d है, 4s1 और 3d5। तो ऑफ़ प्रिंसिपल के अनुसार से 4s के बाद 3d मिल गया है। ऑफ़ प्रिंसिपल के अनुसार से ये सही है। पॉलीएक्सियल प्रिंसिपल, ये भी पेयर्ड है तो ठीक है, एक में मैक्सिमम दो ही रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीएक्सियल प्रिंसिपल के अनुसार से भी सही है। लेकिन हुंस रूल का यहां भी वायलेशन हो रहा है। इसको पेयर होने के पहले सिंगल फील्ड होना चाहिए था, यानी इस जगह पर भी हुंस रूल का ही वायलेशन हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है हुंस रूल के अनुसार से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यहां ये दिया हुआ है आर्गन 3d8, आर्गन 3d1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यहां ये है 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहां पर आर्गन यील्ड करता है 3p पर, तो अबव प्रिंसिपल के अनुसार से 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, 4s में। लेकिन यहां तो 4s आया ही नहीं, सीधा 3d आ गया। इसका मतलब अबव प्रिंसिपल के अनुसार से कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। अब पॉली चेक करना है, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन, यानी कि पॉलीएक्सियल प्रिंसिपल के अनुसार से ये सही है। 8 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड हुआ फिर पेयरिंग स्टार्ट हुआ है, यानी हुंस रूल के अनुसार से इनका ये कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा। यानी कि इस जगह पर जो कॉन्फ़िगरेशन गलत है वो अबव प्रिंसिपल के अनुसार से, क्योंकि यहां 3d8 के पहले 4s2 होना चाहिए था, उसके बाद में फिर 3d6 आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन गलत है ये तो आपको पता चल ही रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखना है ये किन किन रूल को वायलेट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है ऑक्सीजन का, 8 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन दे दिया हीलियम 2s2 और 2p4। एटॉमिक और ऑर्बिटल डायग्राम बनाया गया हीलियम 2s और 2p, 2s2 और 2p4। यहां s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब फिर से पहले ये देखो कि अबव प्रिंसिपल को फॉलो किया कि नहीं किया। तो अबव प्रिंसिपल के अनुसार से 2s के बाद में 2p नहीं गया है, इसका मतलब अबव प्रिंसिपल के अनुसार से ये सही है। पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज तो दूसरा कैसा होना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब यह हुआ कि ये पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार से गलत हो गया। तीसरा हमें चेक करना है हुंस रूल के अनुसार से। तो हुंस रूल में देखो यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना था, तो 1 2 3 4, यानी कि पहले सिंगली गया उसके बाद फिर पेयरिंग आया है, यानी कि हुंस रूल के अनुसार से कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो अब देखिए कि यहां पर पॉली के अनुसार से कॉन्फ़िगरेशन गलत था। तो जो ही कॉन्फ़िगरेशन गलत नजर आएगा आपको, थोड़ा सा रुकोगे और ये फाइंड करने की कोशिश करोगे कि आखिर उनका कॉन्फ़िगरेशन गलत है तो किसके अनुसार से गलत है, यानी कि किस रूल के अनुसार से वो गलत है, और उसी को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस पे फोकस कीजिएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वगैरह में इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन देकर आपसे पूछा जाता है कि यहां पर किस रूल का वायलेशन हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद में एक बार फिर से क्वांटम नंबर पर आते हैं, जो कि पहले ही बताया था कि आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से ये कह रहा है कि डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन द केस ऑफ
सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का आपको वैल्यू बताना है। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, नाइट्रोजन का कंफिगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p, 3, 2 2 4 एंड 3 7, इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, 1s, 2s और ये 2p, 1s2, 2s2 और 2p3, 1 2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोन्स रूल के अनुसार से पहले ये सिंगल फिल्ड होगा। अब कहां से NL और ML का वैल्यू पता चलेगा, ये आगे में जो 1 2 3 4 वैल्यू रहेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी N बताता है, ये SPDF जो होगा ये एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L का वैल्यू बताता है, और इसी में याद करो आप ML का वैल्यू -L2+L तक गया था, तो S के केस में L का वैल्यू 0 होता है, तो ML का वैल्यू 0, यहां भी S है, L का वैल्यू 0 होगा, तो इनका 0, और यहां 1 है तो इस जगह पर आ जाएगा -1, 0 और +1। आप ये बॉक्स देखना, वहीं अगर D रहता तो D के केस में 5 ऑर्बिटल्स होते, 1 2 3 4 5, ये वैल्यू आता है -2 -1 0 +1 और +2, यानी जब S हो तो 0 होगा, P हो तो -1 से लेकर के +1 तक, अगर D हो तो -2 से लेकर के +2 तक, और उसी तरह से अगर F का 7 ऑर्बिटल है तो -3 से लेकर के +3 तक करता है। अब इसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, यहां लिख दिए सेकेंड, यहां लिख दिए थर्ड, इस जगह पर आ गया फिफ्थ, और यहां पर ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, इनके चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना है। चारों क्वांटम नंबर वैल्यू क्या क्या है जो रिपीट करें एक बार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्हें एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर इन्हें एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन्हें एमएल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर इन्हें एनएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पता कैसे चलेगा, जो अब सब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन देखो, तो ये 1 2, ये इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, दिस वन ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड फोर्थ, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर 5 6 7, यानी कि पहले सिंगली जाएगा उसके बाद में फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा, तो फिफ्थ सिक्स, तो आपका ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ये होगा, वहीं अगर आगे बढ़ते तो ये 7th आता, फिर जो पेयर होगा वो 8th, फिर 9th, फिर 10th, यानी ये सीक्वेंस फॉलो करना है। अब जब सेकेंड का निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ठीक नीचे ये एन का वैल्यू बता रहा है, तो एन का वैल्यू इसके लिए 1 हो गया, SPDF याद करो, L के लिए S का वैल्यू 0 होता है, ML का वैल्यू इसके ठीक ऊपर वाला बॉक्स में, यानी कि ये 0 हो गया। फिर आप ये देखो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -1 होता है। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके नीचे N का वैल्यू ये 2, L का वैल्यू S यानी 0, ML का वैल्यू ऊपर में चलेगा यानी 0, और MS का वैल्यू ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहां ही आ जाएगा +1/2। फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये है, N का वैल्यू देखो 2, यहां P आया है तो P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, और इसके ठीक ऊपर में ML का वैल्यू -1,
अब व्हाट डायरेक्शन में है तो प्लस वन बाई टू। इसके बाद सिक्स इलेक्ट्रॉन लिए है, फिर इसके नीचे टू, तो यहां टू लिख दिए, पी सबसेल तो वन होगा, इसके ठीक ऊपर में जीरो, यानी एम एल का वैल्यू जीरो होगा और एम एस का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्लस वन बाई टू। तो जिस तरह से हम नाइट्रोजन के सेलेक्टिव इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है, क्वांटम नंबर उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देखें तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू वन है, यानी कि ये फर्स्ट सेल एस सबसेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जीरो और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि इनके पूरे एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन के बारे में ये चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू मिलकर बताता है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है। एक क्वेश्चन जो आगे देने जा रहे हैं आपको, उसमें कार्बन के ऑल सिक्स इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना है। यानी कि जैसे हम यहाँ सेकेंड थर्ड फिफ्थ और सिक्स का लिखते हैं, आपको फर्स्ट से लेकर के सिक्स तक का लिखना है चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू, यहाँ इस तरीके से। फिर जब आप उसमें देखोगे तो कोई भी वैसा दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको जिनके चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम, कोई ना कोई एक जरूर डिफर कर जाएगा। जैसे किसी एक में एन का, एल का, एम एल का वैल्यू मैच कर गया तो एम एस डिफर कर जाएगा, और इसी को पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल में आप याद करो, ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के एन का वैल्यू, एल का वैल्यू और एम एल का वैल्यू सेम होगा, लेकिन एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू डिफर कर जाएगा। तो कई जगह पर आप देखोगे तो पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल का एक और टर्म मिलेगा आपको सेंटेंस, इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज पॉसिबल हैविंग ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आर आइडेंटिकल, यानी किसी भी एटम में वैसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं जिनके चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम। तो क्वांटम नंबर में सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, फिर उनका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का, ये हम लोग इन चारों क्वांटम नंबर से निकालते हैं। यहां अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा कंप्लीट कर लिए हम लोग, और स्टार्टिंग में जो सिलेबस में डिलीट किया था उस वाले पोर्शन को भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग अगले क्लास से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि आप याद करो पहले ही बताए थे कि हम लोग को टाइम भी देखना होगा कि विद इन द टाइम लिमिट हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी तक सिर्फ दो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और स्टार्टिंग का पोर्शन आपका पढ़ा हुआ भी है, और जो इस बार का सिलेबस दिया हुआ है उसमें ब्रीफ हिस्ट्री यानी कि पहले के पार्ट को रिमूव कर दिया है, यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डोगर्निया ट्रैक्स, इन सबको हटा दिया है और उसके बाद वाले पोर्शन को है। तो अगले क्लास में आप प्रिपेयर रहिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए। आज यहीं तक, जो क्वेश्चन देंगे उसको आप सबमिट कर दीजिएगा असाइनमेंट में।